बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टीलाइजेशन जो है इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टेरिलाइजेशन, यानी चैप्टर नंबर 4 आज जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है आज हम करेंगे। अब ये स्टेरिलाइजेशन, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन क्या है? कंप्लीट किलिंग और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे जानदार हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे बेनिफिशियल है चाहे वो नुकसानदेह हैं, डिजीज कॉज करने वाले हैं, उनको मुकम्मल तौर पर किल करना या उनको जो है रिमूव कर देना, हटा देना, उसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। कंप्लीट किलिंग और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलिटी मीन कंप्लीट एब्सेंस और रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। स्टेरिलिटी के जो प्रोसेस है उसमें मुकम्मल तौर पर या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंस होते हैं, मौजूद नहीं होते, या उनको जो है माइक्रोब्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव पार्ट जो है माइक्रोब्स की, यानी वो वाले हिस्से क्या कहते हैं पार्ट माइक्रोब्स के जिससे जो है नया माइक्रोब या तो क्या कहते हैं ग्रोथ कर सकता है या नहीं कर सकता, उनके जो स्पोर्स हैं सब चीज़ों को जो है मुकम्मल तौर पर रिमूव करने या किल करने का प्रोसेस जो है वो स्टेरिलिटी में हम करते हैं। टर्म स्टेरिलिटी मीन्स किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो स्टेरिलिटी है इसका जो मतलब है बुनियादी तौर पर वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना। टर्म स्टेरिलिटी इज एब्सोल्यूट टर्म विच मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज स्टेराइल और नॉट स्टेराइल। अब ये जो इस्तलाह है स्टेरिलिटी की, ये एक मुकम्मल जो है लफज है, वर्ड है या इस्तलाह है, ठीक है, जिसका मतलब है या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेराइल कर दिया है, हमने मुकम्मल तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक कर दिया है या वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है रिमूव कर दिया है या वो जो है रिमूव नहीं हुए। अब इसके अंदर जो है हम ये नहीं कहेंगे कि ये थोड़ा सा जो है स्टेराइल हो गया है, सम आर स्टेराइल एंड सम आर नॉट, ठीक है, कुछ हिस्सा स्टेराइल हो गया कुछ नहीं हुआ है, ये मैक्सिमम स्टेराइल हो गया है, ज्यादा हो गया है, ये वाली चीजें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये टर्म जो है ये वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस दो, या तो नो और यस, या तो स्टेराइल है या स्टेराइल नहीं है, हाँ और ना। सो टर्म स्टेरिलिटी इज एब्सोल्यूट टर्म, ये एक मुकम्मल इस्तलाह है, विच मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज स्टेराइल और नॉट स्टेराइल। एसेप्टिक टेक्निक्स, द एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स विच माइट प्रोड्यूस सेप्सिस बट डज नॉट मीन स्टेराइल। इट इज यूज टू रिड्यूस द माइक्रोब्स फ्रॉम स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स कॉल्ड एसेप्टिक टेक्निक। अब ये जो एसेप्टिक टेक्निक है ये कहते हैं जी द एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स, उन तमाम माइक्रोब्स की जो है गैर मौजूदगी या उनको हटा देना, रिमूव कर देना, विच माइट प्रोड्यूस सेप्सिस। सेप्सिस कहते हैं ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या ब्लड का जो इन्फेक्शन होता है, ये ब्लड को जो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर पैदा होते हैं ग्रोथ करते हैं, ठीक है, विच माइट प्रोड्यूस सेप्सिस, जो कि ब्लड का इन्फेक्शन पैदा करें या ब्लड के अंदर हो
ठीक है, ब्लड को खराब करें, या क्या कहते हैं वैसे जो है क्या कहते हैं जिन बैक्टीरिया से जो है इन्फेक्शन कॉज हो जाए, स्किन खराब हो, बट डज नॉट मीन स्टीराइल। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो स्टीराइल है, ठीक है। माइक्रोब तो एब्सेंस है उनकी, ठीक है, वो रिमूव हुए हुए हैं, लेकिन उसका रिमूव होने का ये मतलब नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर वहां पर किल है या रिमूव है, ठीक है। उनमें से कुछ जो है माइक्रोब्स वहां पर मौजूद भी हो सकते हैं जो कि इन्फेक्शन या डिजीज कॉज ना कर सकते हो, उनके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो क्या कहते हैं एसेप्टिक होने की वजह से कि वो डिजीज कर सके। इट इज यूज टू रिड्यूस द माइक्रो फॉर्म स्पेसिफिक पार्टिकुलर। ये हम जो एसेप्टिक टेक्निक है, ये माइक्रोब जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए फॉर्म स्पेसिफिक पार्टिकुलर किसी भी खास किस्म की जगह से, चीज से, ऑब्जेक्ट से, माइक्रोब को जो है रिड्यूस करने का जो अमल होता है, कम करने को किसी भी खास चीज से, उसको कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक। अब एसेप्टिक और स्टीरिलिटी में या स्टीलाइजेशन में फर्क क्या है? क्या कहते हैं स्टीलाइजेशन में जो है या स्टीरिलिटी में हम कंप्लीट, चाहे वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, डिजीज कॉज करने वाले कोई माइक्रोब्स हैं या डिजीज कॉज करने वाले नहीं है, तमाम किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको मुकम्मल तौर पर किल कर देंगे या रिमूव कर देंगे। लेकिन एसेप्टिक में क्या होगा, यहां से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है रिमूव तो कर देंगे, किल तो कर देंगे, लेकिन जो है वो सारे माइक्रोब जो है किल नहीं होंगे। बाद में जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो होंगे सिर्फ वही किल होंगे, जो बेनिफिशियल माइक्रोब होंगे वो किल नहीं होंगे, या जो है दोनों ही किल हो जाएंगे लेकिन जो है वो कुछ इतने हद तक जो है किल हो जाएंगे या उनको हम रिड्यूस कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, जो बाकी बचेंगे उनसे किसी भी किस्म की डिजीज कॉज नहीं होगी। सो ये है एसेप्टिक टेक्निक। अभी आगे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि जर्मिसाइड और जर्मिसाइडल। एनीथिंग दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स इज कॉल्ड जर्मिसाइड और जर्मिसाइडल। अब कोई भी चीज जो है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जर्म्स वगैरह को किल कर दे उसे कहते हैं जर्मिसाइडल, ठीक है जी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या और कोई जर्म्स है, छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या डिजीज कॉज करने वाले या इन्फेक्शन कॉज करने वाले या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब जो है उनको जो किल करना होता है वो होता है जी जर्मिसाइडल, ठीक है। जर्म्स होते हैं जी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज और हार्मफुल फॉर द बॉडी। आगे है जी बैक्टेरिसाइड और बैक्टेरिसाइडल, ठीक है। बैक्टेरिया का मतलब बैक्टेरिया, साइडल का मतलब किल करना। एनीथिंग दैट किल बैक्टीरिया इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड बैक्टेरिसाइडल, ठीक है। कोई भी चीज, सब्सटेंस हो, कोई भी मवाद हो, कोई सॉल्यूशन हो, कोई केमिकल हो, दैट किल बैक्टीरिया इन पर्टिकुलर, जो खास तौर पर सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे, उसे कहते हैं जी बैक्टेरिसाइडल। बैक्टेरिसाइडल क्या होता है जी? एनी सब्सटेंस, एनी थिंग, सब्सटेंस और सॉल्यूशन दैट विल किल द बैक्टीरिया इन पर्टिकुलर, ठीक है, जो कि खास तौर पर सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे उसे कहते हैं बैक्टेरिसाइडल। आगे है जी बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक का मतलब होता है साकन, रोक देना। बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है, कि यानी बैक्टीरिया को रोक देना, यानी उनकी ग्रोथ को रोक देना। द सब्सटेंस यूज टू स्टॉप द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मादा है, केमिकल है, सॉल्यूशन है, जो कि यूज टू स्टॉप द ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को एंड मल्टीप्लीकेशन, उनकी ग्रोथ को और उनकी जो है आगे जो है फर्दर बैक्टीरिया में जो डिवाइड होने का अमल है, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है, एक से दो बनने का अमल है, उसको जो है स्टॉप कर दे, रोक दे, ठीक है, किल ना करे उसको, बस अपनी जगह पर स्टॉप कर दे, रोक दे उनकी ग्रोथ को, उनके आगे बढ़ने को, तकसीम होने को, उसे कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। एंटीसेप्टिक सब्सटेंस यूज टू किल माइक्रोब्स फ्रॉम लिविंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो कि जानदारों से, कोई लिविंग सब्जेक्ट से, कोई भी जिंदा जानदार
दार से जो है वो माइक्रोब को किल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट ऐसे मवाद होता है, सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन होता है, ये केमिकल होते हैं जो कि हम यूज करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। ठीक है, जो कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं गैर जानदार चीज है, जिस तरह घरेलू सामान वगैरह हो गया, कुछ चेयर्स हो गई या क्या कहते हैं बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उसको जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, अब वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको जो है किल करने का जो अमल होता है या उनको जो किल करते हैं वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो होते हैं डिसइंफेक्टेंट। आगे है जी डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिसइंफेक्शन वो होता है कि क्या कहते हैं बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो किल हो जाए, लेकिन फिर भी उनमें से जो कुछ बच जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि तमाम मैक्सिमम बैक्टीरिया की जो किलिंग है उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। ये जिस तरह ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ये क्या कहते हैं फर्नाइल वगैरह लेकर उससे जो है वॉश कर रहे होते हैं हॉस्पिटल को, ठीक है, हॉस्पिटल के फ्लोर को या हॉस्पिटल की जो है बिल्डिंग है, तो उसको वो डिसइंफेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बैक्टीरिया की किलिंग कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या बैक्टीरिया है या और माइक्रोब्स हैं उनकी जो है स्ट्रेंथ को कम कर रहे होते हैं, उनकी क्वांटिटी को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। Many method used to sterilize various products and objects. Some are not effective, but some are lengthy but most effective. ठीक है, हम sterilization के बहुत सारे method जो हैं जो use करते हैं उनमें बहुत सारे method जो हैं वो effective भी हैं, उनमें कुछ non-effective भी हैं, कुछ effective हैं, लेकिन वो lengthy भी हैं। अब three common method थ्री कॉमन मेथड आर यूज। अब उसमें जो तीन आम तौर पर अम्यूनिंग मेथड जो है वो इस्तेमाल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है स्टीलाइजेशन के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव या किल करने के लिए। अब उसमें जो है सबसे पहले है जी फिजिकल मेथड स्टीलाइजेशन, दूसरा है जी केमिकल मेथड स्टीलाइजेशन, नंबर थ्री है जी मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन विच आर कॉमनली यूज फॉर स्टीलाइजेशन। नंबर वन इज फिजिकल मेथड स्टीलाइजेशन, नंबर टू केमिकल मेथड स्टीलाइजेशन एंड नंबर थ्री मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। जी अब है जी नंबर वन है जी फिजिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अब ये जो फिजिकल मेथड जो होता है जो हम खुद जो है किसी क्या कहते हैं फिजिकली कोई सब्सटेंस लेकर या किसी टेक्निक के जरिए जो हम स्टीलाइजेशन करते हैं उसमें सबसे पहले है जी ड्राई हीट स्टीलाइजेशन। अब ड्राई हीट स्टीलाइजेशन में जो है वो फ्लेमिंग ये यूज़ करते हैं, ये जो फ्लेम होता है शोला होता है वो यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉट एयर के ज़रिए, ठीक है, गर्म हवा के ज़रिए या हीट के ज़रिए जो है वो हम ओवन के अंदर जो है वो स्टीलाइज करते हैं या इंसिनरेशन है। ठीक है, बर्निंग इनटू एशेस, इंसिनरेशन का मतलब होता है जी आग के ज़रिए जलाकर जो है राख करना। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को जो है वो जलाकर उसको जो है ऐश कर देना, राख कर देना। ठीक है, ये जो है ड्राई हीट स्टीलाइजेशन के जो है तीन मेथड हैं। फिर है जी मॉइस्ट हीट स्टीलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टीलाइजेशन में आमतौर पर ऑटोक्लेविंग होती है। ठीक है, ऑटोक्लेव एक क्या कहते हैं अपरेटस है। ठीक है, उसके अंदर हम जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है हम हीट देते हैं और उस हीट के जरिए जो है फिर हम अपने किसी भी जो क्या कहते हैं हम चीज़ों को स्टीलाइज करते हैं। ये आम तौर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं
सर्जिकल स्टीलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। ये सर्जिकल जितने भी ये हॉस्पिटल के या ऑपरेशन थिएटर के या जो जितने भी औजार वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर ये आमतौर पर यूज होता है। हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड, ठीक है, या कोई बैक्टेरिसाइड सब्सटेंस हो जो बैक्टीरिया को किल करने वाला सब्सटेंस हो, उसके साथ जो है हम जिसकी स्टीलाइजेशन करनी है जिन चीज़ों की, उसके साथ उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। स्टीलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर, या बॉइलिंग वाटर को जो है गर्म पानी को, जो बॉयल किया हुआ वाटर होता है वो यूज़ करते हुए हम स्टीलाइजेशन करते हैं, ठीक है, या टेंडलाइजेशन है। अब टेंडलाइजेशन क्या है जी? एन अर्ली प्रोसेस फॉर स्टीलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को जो है बैक्टीरिया से पाक करने का, बैक्टीरिया से जो है फूड से बैक्टीरिया रिमूव करने का, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज करने का जो पहले का जो प्रोसेस है, जिसमें क्या कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग फॉर 15 मिनट, जो कि 15 मिनट की जो है वो हीट पर मुश्तमिल है, हरारत पर मुश्तमिल है, फॉर 3 डेज इन आर ओ, ठीक है, 3 दिन के लिए जो है वक्फे वक्फे से 15 दिन के लिए हम जो है उस सब्सटेंस को हीट करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है रिमूव करना है या किल करना है, ठीक है। हम 3 दिन के लिए, 3 दिन में जो है 15-15 मिनट के लिए जो है दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा 3 दिन के लिए जो है हम उसको सब्सटेंस को हीट करते हैं। उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। स्टीलाइजेशन बाय रेडिएशन, अब ये जो शुआओं के जरिए स्टीलाइजेशन करते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की शुआएं हैं, रेज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, एक्स रे है, रेज है, गैमा रेज है, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो मटीरियल होते हैं, केमिकल मटीरियल हैं, धातें हैं, गैसें हैं, अब उनमें से शुआएं निकलती हैं, अब उन शुआओं की मदद से जो है जो स्टीलाइजेशन का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है कि किसी भी सब्सटेंस को, मटेरियल को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो महफूज करना, पाक करना, या वहाँ से जो है उनको किल करना या रिमूव करने का जो अमल है बाय द यूज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। कौन कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रॉन बीम है, एक्सरे है, गैमा रेज है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना या रिमूव करने का जो अमल होता है वो स्टीलाइजेशन बाय रेडिएशन होता है। नंबर 2 मेथड है जी, पहले हम फिजिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसमें जो है फर्दर 3 मेथड है, एक ड्राई हीट स्टीलाइजेशन है, दूसरा मॉइस्ट हीट यानी खुश्क हीट जो होती है हरारत देकर स्टीलाइज करना, फिर यह स्टीम के जरिए या वाटर यूज करते हुए जो है हीट देकर स्टीलाइज करना, फिर क्या शुआओं के जरिए स्टीलाइज करना। नंबर 2 है जी केमिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अब केमिकल मेथड में हम या तो केमिकल यूज करते हैं, अब उसमें जो है गैसेस स्टीलाइजेशन है, गैसेस यूज करते हैं, या जो है स्टीलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, कोई भी डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करता है डिसइंफेक्टेंट, वो सब्सटेंस लेकर या गैसें यूज कर, मुख्तलिफ जो गैसेज हैं वो यूज़ करके जो है हम स्टीलाइजेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है किल करते हैं, रिमूव करते हैं। नंबर 3 है जी मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल क्या कहते हैं, कोई भी मशीन या कोई भी सब्सटेंस लेकर जो है मैकेनिक्स के थ्रू जो है स्टीलाइजेशन करने का जो अमल है बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है पाक करने का, महफूज करने का जो टीकाकार है वो है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अब इसमें जो है स्टीलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं जी, हम फिल्टर पेपर के जरिए जो है फिल्टर करके हम स्टीलाइज करते हैं, ठीक है। वो फिल्टर पेपर के अंदर जो है इंतहाई जो है मैन्यूट पोर होते हैं, एक्सट्रीमली टिनी पोर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि हर किस्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फिल्टर कर लेते हैं, वो सॉल्यूशन जो है उस माइन्यूट पार्ट जो उसको पोर्स हैं उसके थ्रू फिल्टर में से गुजर जाएगा और जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे ड्यू टू माइन्यूट और टिनी पोर्स, ठीक है, उसकी वजह से वो फिल्टर के ऊपर ही तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रह जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। ये 3 मेथड है जी स्टीलाइजेशन के। नेक्स्ट है जी ये आगे
ये मेथड जो है स्टीलाइजेशन के, उनको समराइज किया गया, शॉर्ट करके दिखाया गया। ठीक है, ये स्टीलाइजेशन के फिजिकल, केमिकल और फिजियोकेमिकल ठीक है, या मैकेनिकल जो है ये उसके जो है मेथड है। अब फिजिकल में हमने पढ़ा था जी क्या कहते हैं, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, ठीक है, या रेडिएशन है। ड्राई हीट में हमने जो है रेड हीट आ जाता है, या फ्लेमिंग आ जाता है, इंसिनरेशन हमने पढ़ा था, हॉट एयर ओवन पढ़ा था, या इंफ्रारेड लाइट है। ठीक है, ये इंफ्रारेड लाइट जो है ये भी क्या कहते हैं शुआएं होती हैं, जो हमें सूरज वगैरह से जो है आती हैं। उसके अलावा जो है सनलाइट आ जाती है फिजिकल में, वाइब्रेशंस आ जाती हैं। नंबर थ्री है जी फिल्ट्रेशन आ जाती है। अब मॉइस्ट हीट में जो है जी बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड या अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हम उसको स्टीम देते हैं या वाटर के साथ बॉयल करते हैं। रेडिएशन में नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग, ठीक है, ऐसी शुआएं जो कि किसी भी सब्सटेंस के साथ जो रिएक्ट कर जाएं, वो आयोनाइज होती हैं, उसके साथ मिल जाएं, केमिकल रिएक्शन करें, या उसके साथ अगर ना मिले तो वो नॉन आयोनाइजिंग होती है। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या पार्टिकुलेट रेडिएशन है। फिल्ट्रेशन है, अब फिल्ट्रेशन में जो है ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर पेपर जो है वो यूज़ होते हैं, जिस तरह अर्थनवेयर है, एस्बेस्टोस होता है, सिनेटेड ग्लास है, या मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर है। ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर पेपर हैं जो कि हम स्टीलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब केमिकल मेथड में जो है वो लिक्विड के थ्रू आ जाता है या गैसेज के थ्रू आ जाता है। अब लिक्विड में जो है वो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फिनोलिक्स हो गया, हैलोजन हो गया, हैवी मेटल, सल्फर्स एक्टिव एजेंट्स या डाइज। और गैसेज में जो है फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इथाइलीन ऑक्साइड हो गया, या प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब केमिकल में या तो लिक्विड यूज़ करते हैं, लिक्विड में ये मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड हैं जो कि हम स्टीलाइजेशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, या ये गैसेज। इसी तरह ये एक और जो है ग्राफ है जिसमें ये मुख्तलिफ मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन जो है वो दिखाए गए हैं। तो फिजिकल मेथड है, फिजिकल के आगे हम फर्दर जो है वो तीन मेथड है, हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। अब हीट में ड्राई हीट आ जाता है या मॉइस्ट हीट आ जाता है। ड्राई हीट में जो है वो इंसिनरेशन या ड्राई ओवन या हॉट एयर ओवन के जरिए हम करते हैं। मॉइस्ट हीट में जो है जी प्रेशराइज स्टीम आ जाता है, ठीक है, कम प्रेशर के ऊपर जो है हम स्टीम देते हैं, बॉइलिंग वाटर, वाटर हीटिंग या पास्चराइजेशन। इसी तरह जो है रेडिएशन में जो है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रा वायलेट है और आयोनाइजिंग में एक्सरेज है, वाई रेज है या गैमा रेज है। ठीक है, फिल्ट्रेशन में एस्बेस्टोस, मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर, सिनेटेड ग्लास फिल्टर पेपर आ जाता है। ठीक है, केमिकल में हम गैसेज यूज़ करते हैं या लिक्विड यूज़ करते हैं। गैसेज में फॉर्मल्डिहाइड या इथाइलीन ऑक्साइड है, और लिक्विड में जो है वो अल्कोहल, हैलोजन, फिनोल या एल्डिहाइड है। ठीक है, देयर आर थ्री मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। नंबर वन इज फिजिकल मेथड, नंबर टू केमिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन, नंबर थ्री मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अब फिजिकल मेथड में तीन है जी मेथड है, या तो ड्राई हीट के जरिए करते हैं, या मॉइस्ट हीट के जरिए, या रेडिएशन के जरिए करते हैं। केमिकल में या तो हम केमिकल यूज़ करेंगे, वो गैसेज होंगी या डिसइंफेक्टेंट होंगे, या क्या कहते हैं वो लिक्विड होंगे। अब मैकेनिकल में फिर हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीलाइजेशन। Thank you so much for your kind attentions. Thank you.